उधर रेवाड़ी में लुटेरी दुल्हन का एक मामला सामने आया। एक लड़की ने पांच लड़कों से शादी की और बाद में उनसे सब कुछ लूटकर फरार हो गई। पांच लोगों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। रेवाड़ी की एक लड़की ने अलग अलग समय इन सभी से बिचौलियों के माध्यम से शादी की और सभी के साथ एक या दो महीने रहकर लुटेरी दुल्हन फिल्म की तर्ज पर इनका सब कुछ लूटकर फरार हो गई। शिकायत में कहा है कि जून 2021 में उसकी रेवाड़ी शादी रेवाड़ी की एक युवती के साथ हुई थी। शादी के एक महीने बाद ही दुल्हन अपने घर लौट गई। शिकायत में आरोप लगाया कि शादी में ससुराल पक्ष के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए आभूषण और घर में रखी नकदी भी अपने साथ ले गई। शिकायत में यह भी कहा गया कि युवती की मां ने फैसले के लिए 18 लाख की मांग की है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि जब उन्होंने गहनता से इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि ग्रोह शादी के नाम पर चार लोगों को पहले ही अपना शिकार बना चुका है।